एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सुरण कुमार, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम राजस्थान का भूगोल एक परिचय, यानी कि फ्रेंड्स राजस्थान के परिचय से आपको टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आज से चैनल पे आप सभी के लिए नई खुशखबरी है कि आपके लिए जितने भी बीएसटीसी का जो सिलेबस है उन सभी के जो एमसीक्यूज हैं हम चलाने वाले हैं। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया था। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो राजस्थान है इसका डायरेक्टली नाम राजस्थान नहीं था। इनका अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि राजपूताना नाम किसने दिया है, तो आपका किसने दिया है, आपका जॉर्ज थॉमस ने दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा मिस टाइप है, आप सही कर देना, ये 1800 ईस्वी है, यानी कि 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है वो किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने किया है। जबकि अगर मैं बात करूं कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ है तो वो आपका किसने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने किया है, जो कब किया है, 1806 के अंदर किया है। उसके बाद में फ्रेंड्स थोड़ा सा और ध्यान देना कि भाई इस राजस्थान जो शब्द हैं इसका लिखित साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पे मिला है, तो आप याद रखना कि जो बसंतगढ़ शिलालेख हैं जिसमें कौन सा शब्द उल्लेख मिला है, राजस्थान द्वितीय नाम से उल्लेख मिला है। क्या मिला है, राजस्थान द्वितीय। तो ये इतनी सी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आप मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिलिट्री ऑफ मेमोरीज जो जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विलियम फ्रैंकलिन हो जाएगा। यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विलियम फ्रैंकलिन इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि जो आपके कर्नल जेम्स टॉड है इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो वो भी आप याद रख लेना, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्या हो जाएगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किसके पुस्तक हैं, तो आपके कर्नल जेम्स टॉड की हैं। तो ये इतनी सी बातें कम से कम फ्रेंड्स आप याद रखना। आपसे अगर पूछता है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के रचयिता कौन है, तो फिर आप क्या बताओगे, कर्नल जेम्स टॉड बताओगे। जबकि अगर आपसे पूछता है कि मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, तो ये फ्रेंड्स किसने लिखी है, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है। तो यहाँ से कम से कम आपके ये दो क्वेश्चन तैयार होते हैं, इनको अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आज का ऐसे आप बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आने की संभावना है वो क्या है, कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, भौतिक विभाग। तो फ्रेंड्स अगर मैं भौतिक विभाग की बात करूं तो जो अपना राजस्थान है उसको कितने भागों में बांटा है, चार भागों में बांटा है। और वो चार भाग आपके हैं कौन कौन से, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना कि आपके जो चार भाग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका पश्चिमी रेतीला मैदान, कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मैदान। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका सेकंड है अरावली प्रदेश। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो आपका है पूर्वी मैदान। और उससे आगे मैं बात करूं तो आपका जो दक्षिण पूर्वी पठार है, कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये फ्रेंड चार भागों में किसको बांटा है, राजस्थान के भौतिक विभागों को बांटा है, कौन कौन से, तो आप याद रखना, एक तो आपका पश्चिमी रेतीला मैदान हो जाएगा, अरावली प्रदेश हो जाएगा, पूर्वी मैदान हो जाएगा, और दक्षिण पूर्वी पठार आपका हो जाएगा। आप फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या से
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो जो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है, पश्चिमी रेतीले मैदान का है। किसका है, पश्चिमी रेतीले मैदान का क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो कितना है 61.11% है। कितना है 61.11% इसका क्या है क्षेत्रफल है। जबकि अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, 39% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अगर मैं सबसे कम की बात करूँ कि भाई सबसे कम आपका कौन सा है यानी क्षेत्रफल में, तो सबसे कम आपका है वो पूर्वी मैदान है, जो कितना है 06.89 कितना है 06.89 आपका है। और यहाँ पे जनसंख्या कितने निवास करती है, 10% जनसंख्या यहाँ पे आपकी यहाँ पे निवास करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, कौन कौन से, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। और अगर जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करें तो जो सर्वाधिक है वो किसका है, पश्चिमी रेतीला मैदान का आपका है। तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन को जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी, जो यहाँ पे थोड़ा सही कर देना, जो आपका है कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अगर मैं बात करूँ कि भाई जो आपके राजस्थान से कौन कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं, तो आप बोल सकते हो मान लिया कि भाई ये राजस्थान का मानचित्र है फ्रेंड्स, ऐसे ही बना रहा हूँ। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इधर साइड में जो आपके हैं 23.5 डिग्री वो तो आपकी कौन सी है, कर्क रेखा है। जबकि फ्रेंड्स आपने आप सभी को बताएं कि भाई जो है 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भी आपकी कहाँ से गुजरती है, राजस्थान से। तो ये आपके जो हैं दोनों राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी सी बातों का कम से कम पता रखना। और अगर मैं कर्क रेखा की बात करूँ तो ये राजस्थान के दो जिलों से आपकी गुजरती हैं, कौन कौन से, तो आपका एक तो कौन सा है डूंगरपुर है और एक आपका कौन सा है बांसवाड़ा है। कौन कौन से हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और फ्रेंड्स ये हैं जो आप कम से कम इतनी सी बातों को याद रखना कि भाई दो जिलों में से गुजरती हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, और ये 23.5 डिग्री आपकी होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कमिश्नरी संभागों में कितना विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान लगाना होगा कि देखिएगा अगर मैं ऑप्शन नंबर एक की बात करूँ तो आपको दिख रहा है सबसे पहला जयपुर दिख रहा है, जोधपुर दिख रहा है, अजमेर दिख रहा है, कोटा दिख रहा है, उदयपुर दिख रहा है, बीकानेर दिख रहा है और भरतपुर दिख रहा है। तो ये सभी के सभी अपने क्या संभाग हैं, जो कितने हैं 7 संभाग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर अपन बात करते हैं कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका संभाग कौन सा है, तो आपका जोधपुर है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो आपका कौन है, जयपुर है। और सबसे नवीन संभाग आपका कौन सा है, भरतपुर है। तो ये इतनी सी बातों को कम से कम आप याद रखिएगा ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी ना किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी ना किसी दूसरे राज्य या जिले से स्पर्श करती हैं। आप बोल सकते हो कि राज्य या जिलों से स्पर्श करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा वो आपके ऐसे कौन से जिले हैं, ऐसे आपके 23 जिले हैं। कितने हैं, 23 हैं। अगर मैं बात करूं कि वो 23 जिले आपके कौन कौन से किस किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो पंजाब के साथ बनाते हैं, एमपी के साथ बनाते हैं, यूपी के साथ बनाते हैं, हरियाणा के साथ बनाते हैं, और एक आपका किसके साथ में बनाते हैं, गुजरात के साथ में। किसके साथ में बनाते हैं, गुजरात के साथ में। एमपी से फ्रेंड सर्वाधिक बनाते हैं, जो 1600 किलोमीटर हैं वो कहाँ से बनाते हैं, एमपी से। जबकि पंजाब से आपकी कितनी बनाते हैं, 89 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स 5 राज्य हैं, और 5 राज्य से आपके कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, 23 यानी कि 23। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना कि जो एमपी से सर्वाधिक सीमा लगती हैं किससे, एमपी से कितने लगती हैं, 1600, और सबसे कम किससे लगती हैं,
पंजाब से लगती हैं, जो कितनी आपकी 89 है। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप याद रखना, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो। उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बीएसटीसी वालों के लिए तो हालांकि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कब मनाया जाता है, 30 मार्च के दिन आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये इतनी सी बातें कम से कम याद रखना फ्रेंड्स, अगर राजस्थान दिवस पूछता है तो आपका कौन सा है, 30 मार्च। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो आपके पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो आप याद रखने वाली बातें ये हैं कि पाकिस्तान के जो जिले हैं, आपका अमरकोट भी फ्रेंड्स लगता है, ये भी याद रखना, अमरकोट है, रहीम यार खान आपका ये भी लगता है, और बहावलपुर भी आपका लगता है, जबकि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कराची, और कराची अपने राजस्थान से नहीं लगता। तो ये जो है आपका कराची, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर बात करते हैं राजस्थान की, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। और इस सीमा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि भाई कौन कौन से अपने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लगाते हैं सीमा, तो आप याद रखना SBBJ। क्या याद रखोगे, SBBJ, यानी कि गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, और आपका जैसलमेर है। सर्वाधिक फ्रेंड्स आपका कौन सा लगाता है, जैसलमेर लगाता है, जो कितनी है, 468 है, 467-68 ऐसे कुछ है, जो आप याद रखना। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सिरोही और आबू के जो आसपास का क्षेत्र था वो अरबुदा भी आपका कहलाता था, आबूर्द भी कहलाता था, और चंद्रावती भी कहलाता था। तो ये जो दोनों ऑप्शन है आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। क्या, एक तो आबूर्द और चंद्रावती, ये दोनों जो हैं आपके बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, आगे थोड़ा आप ये सही कर देना कि आपका जो मैंने बोला कि भाई कौन कौन से कितनी सीमा बनाते हैं SBBJ, अभी आपको लगे हाथ बता ही देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आपका जो गंगानगर है वो तो कितनी बनाता है, 210 बनाता है। कितनी बनाता है, 210। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बीकानेर की, तो बीकानेर कितनी बनाता है, 168, और आपकी बाड़मेर 228, और ये जो आपके जैसलमेर 467 बनाता है। कितने बनाता है, 467 बनाता है। तो ये है कि भाई सर्वाधिक तो किसकी है, आपके जैसलमेर की है, जबकि सबसे कम किसकी है, बीकानेर की है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए, कि मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का बौद्धिक भाग है। अब देखिए फ्रेंड्स, मालवा से आपका देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि भाई ये आपका मान लिया कि भाई राजस्थान है, अब फ्रेंड्स जो आपका मालवा से जो लगने वाला जो आपका है वो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठार है। कौन सा है, दक्षिण, यानी एमपी के साइड में जो आपका लगने वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठार है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबल व उसके सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जो संबल है और उसके जो सहायक नदियां हैं उससे अपने राजस्थान का कौन सा भूभाग सिंचित होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या में कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत रखता है।
तो देखिएगा फ्रेंड, समान प्रतिशत आपका अंश में रखता है, कौन सा जिला ऐसा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स अगर क्षेत्रफल की और जनसंख्या की बात करें तो लगभग एक समान सा प्रतिशत अंश रखता है, कौन सा आपका, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स जब भी आपके बात आएगी जनसंख्या वगैरह, जब भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी डिटेल मैं आपको वहाँ पे कर दूंगा। तो अभी के लिए आपको केवल इतना सा याद रखना है कि भाई यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है राइट कौन सा हो जाएगा, सिरोही आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपको शब्द दिख रहा है क्या मेवाड़, और मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मलेच्छों से संघर्ष करने वाला, क्या है, मलेच्छों से संघर्ष करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस और मालवा का पठार है, तो ये भी फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बात करते हैं मालवा के पठार की, तो अभी मैंने बताया कि वो आपका कौन सा है, आप दक्षिण या दक्षिण पूर्व बोल सकते हो, यानी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व का जो आपका भाग है वहाँ पे आपका जो विस्तारित पठार है वो कौन सा है, मालवा का पठार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कांतले और स्टॉन आदि बहुतायत पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके कहाँ से निकलते हैं बहुतायत, तो आपके जो निकलते हैं कहाँ से, दक्षिण पूर्वी जो प्रदेश है वहाँ से आपके जो भवन बनाने के लिए क्या आपको प्राप्त होते हैं, पट्टी हैं, कांतले हैं, स्टोन है, तो यहाँ से आपका ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा इसका सामरिक दृष्टि से जो आपका है वो अत्यधिक महत्व है, वो किस लिए है। एक तो फ्रेंड्स आप ये भी बोल सकते हो कि भाई पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना होती है, इसलिए इसका जो सामरिक दृष्टि से महत्व है वो अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 सेकंड है, आपका कितना है 23 डिग्री 50 सेकंड उत्तरी अक्षांश के सबसे पास में है। तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या पूछा है, 23 डिग्री 50 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास में है, तो वो आपका कौन सा है, डूंगरपुर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ए यहाँ से सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ है आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टाने बहुतायत मिलती हैं, यानी कि बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर की बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टाने हैं जो आपको अत्यधिक देखने को मिलती हैं, तो वो आपकी कौन सी हैं, एक तो टर्शियरी और प्लास्टोसिन जो युग हैं वहाँ की फ्रंट जो आपके हैं जो अवसादी चट्टाने हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कहाँ पर, जैसलमेर और बाड़मेर के चट्टानी भाग के अंदर। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती आपकी बहुत ज़्यादा की जाती है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, यानी कि जो अरावली के जो अरावली पर्वत के जो ढलान वाले जो फ्रेंड्स हैं आपके बाग वहाँ पे मुख्यतः किस फसल की आपकी बुवाई की जाती है, यानी खेती की जाती है, तो वो कौन सा है आपका, मक्का यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह कौन सा है जो राजस्थान को सीधे नहीं छूता, यानी राजस्थान को सीधे ना छूता है, वो ऐसा कौन सा समीपवर्ती राज्य है, राज्य का जिला है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो आपको दिख रहा है हिसार भी आपका है, झाबुआ भी है, भिवाड़ी सॉरी भिवानी भी है, और आपका जो भूज है
ये फ्रेंड्स आपका डायरेक्टली राजस्थान को टच नहीं करता, यानी डायरेक्टली राजस्थान को टच नहीं करता। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, ये थे अपने आज के टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू। फ्रेंड्स ऐसे ही आपके भूगोल वगैरह जो भी आपके हैं उन सभी के फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने पास में, तो सभी को आपके सामने मैं लेके आऊँगा एक एक करके। यानी कि अभी तो आपके सामने 20-20 एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़े दिन और होने दो, उसके बाद में थोड़ा सा अपन थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। अभी के लिए क्या है कि आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे लाइएगा, उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी लाइव क्लासेस वगैरह सारी जो हैं आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस बार बनेंगे आपके BSTC में 450 पार, कितने बनाने हैं आपको 450 पार। और फ्रेंड्स आपका जो अपना सिलेक्शन है अपने आपको सुनिश्चित करना है, और इस बार अच्छी रैंक के साथ में आपको कॉलेज के अंदर प्रवेश करना है। तो फ्रेंड्स यही उम्मीद और यही आशा के साथ आज के दिन के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।